आ गया तो अभी निकलते हैं बाइक पे फटाफट सलमान के साथ। अब लग रहा है मजमा, अब निकलना बहुत मुश्किल लग रहा है। अगर हम इनको देखना फाइनली नाश्ता रेडी शेडी हो गया माशाल्लाह। ये आप देख रहे हैं क्लासिक ट्रेंड माशाल्लाह। एक आगे आगे करते रहो। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक माय न्यू व्लॉग। भाई आज का व्लॉग बहुत ही अलग और बहुत अच्छा होने वाला आपका भाई बना हुआ इंसान बना हुआ कराची इज्तमा जो आया 2023 का। हम निकलते हैं फटाफट। आया साहब को देखो क्या बनी हुई है। और ये हमारे कालू साहब इस्माइल खान है, सब ऊपर पहुंचे हैं भाई। तो बिस्तर भाई खुद ही ले आए, उन्होंने कहा आप जाओ। नीचे भी से आ गया तो अभी निकलते हैं बाइक पर फटाफट सलमान के साथ। पराठो लेने आइए, हम चलते हैं पराठो में फटाफट। तो भाई अभी हम एक जगह रुके हैं क्योंकि बर्तन लेने, प्लास्टिक के कप क्या क्या लेने, मतलब गिलास लेने बस, बाकी प्लास्टिक वाले डिस्पोजेबल। तो भाई गिलास वगैरह आ गए। ये कितने एक पैकेट में, एक पैकेट में कितने होते हैं बॉस? 50 है। हाँ एक पैकेट में 25 है। 25 है, दो पैकेट है। ये दो पैकेट है ये भाई, ये दो पैकेट है, मैं समझा एक ही पैकेट। हमारी आप पराठो शेक कर सकते हैं ऊपर से नीचे तक। इंशाल्लाह कराची इज्तमा वहाँ जाके आप लोगों से मिलेंगे। सारे बाजार लगे हुए जमात के बाहर ताकि लोग आए, कोई हलवे है, कोई पूड़ी, कोई समोसे पकौड़े, ये बोतलों के क्रेट पड़े हुए इधर फुल, मतलब बाहर बाजार लगा हुआ है। जो लोग दूर दूर से आते हैं, कराची से बाहर आते हैं, वो लोग यहाँ से चीजें सेल वेल करके लेके जाते हैं। क्या स्टॉल है ये? तो जाते हैं इधर, अभी देखते हैं क्या है ये रोजाना दोबारा है, कोई बोतल वोतल आई है नहीं। फाइनली हम यहाँ पहुँच गए, अभी देखते हैं पी के पहली दफा। ये लोगों का जी, क्या? नहीं, बिल्कुल मजा नहीं आया। हलीम वगैरह अलग है तो अभी खाते हैं, जैसी भूख भूख लगी हुई है तो अंदर जाएंगे, देखेंगे जवाब में क्या खाना वाना है। तो अभी यहाँ पे फटाफट भाई बना रहा है तो चखेंगे, अगर मजा आया तो एक और खाएंगे, नहीं आया तो फिर एक ही खाएंगे। तो भाई हलीम वगैरह आ चुकी है, अभी उठाते हैं तो अभी हम खाते हैं। बराबर है मुझे फाइनली भाई खा पी। तो फाइनली भाई अब आगे हमने बाइक वाइक पार्किंग में लगा ली। जब हम यहाँ से वापसी जाएंगे तो क्या हाल होगा? मतलब जी भाई बस एक जल्दबाजी का सिलसिला है ना। इज्तमा आपको बताऊँ, ये इज्तमा लगा हुआ ऊपर से बता रहा हूँ आप लोगों को, तो यहाँ शोर आ सकता है मगर मैं कंट्रोल वेट्रोल करता हूँ भाई। डील वील कर रहे हैं, कर ही नहीं रहा कुछ, कम कर, कोई कमी पेशी कर यार। तो ये बन गया है तो अभी चखेंगे। तो फाइनली ये खाते हैं। ठंडा ये क्या लगा भाई? इसमें आलू आपको ढूंढना पड़ेगा क्योंकि हमें तो नजर नहीं आ रहा। इन चीज़ों का भी अपना मजा है। पेमेंट करने लगे बहुत बड़ी 10-20 तो अभी चलेंगे अंदर। कितना मिनट का रास्ता पैदल? 15 मिनट पैदल अंदर जाने के लिए अपने हल्के में पहुंचना है। तो वहाँ जाके आप लोगों से हम लोग, हमारा कौन सा गेट नंबर है? 7 नंबर यही है। अभी हम गेट के अंदर इंटर होते हैं। ये सामने मरकजी मस्जिद है, यूसुफ मस्जिद है। कौन सी मस्जिद है सामने? यूसुफ मस्जिद है मरकजी, जहाँ से बयान वगैरह होते हैं, मेंबर बना हुआ है सामने, मेंबर बना हुआ है। तो अल्हम्दुलिल्लाह 2023 में हम इंटर हो गए कराची इज्तमा में।
तो माशाल्लाह बहुत ज्यादा मजमा और हमें अभी मना किया, ऊपर से आने दिया उन्होंने। स्टेडियम बड़े बहुत है, अल्लाह हिदायत दे सबको। यहाँ पे कराची तमाम है ना, कपड़े बांधे आते हैं अपनी आराम के लिए। ये गाड़ियाँ जो देख रहे हैं आप, ये खिदमत की गाड़ियाँ, जो डब्बे कचरा वचरा होता है ना, ये आते हैं उठाते हैं और ये लेके जाते हैं। अभी उसमें डाल रहे हैं ये कचरा वचरा, जो गाड़ी अलग है, पानी की बोतलों की अलग है, इस तरह ये सब, मतलब यहाँ पे सफाई वगैरह रहे ताकि कचरा वचरा नजर ना आए। अच्छा वक्शा लगा हुआ है, जिसको समझ नहीं आ रही अपने नक्शे में आगे देखता है, यहाँ पे चेक करता है। आप लोगों को मैं जूम करके दिखाता हूँ कैसे लोग बैठे होते हैं अल्लाह के रास्ते। अपने हल्के में आ चुका हूँ, तो सब सोए में भाई। यहाँ पे बनानी पड़ रही है तरीके से वीडियो, मोबाइल नीचे करके किसी को पता पता ना हो। सब वो लोग स्वयं है जो रातों में नहीं सोए, ऐसा ही है ना भाई? yes. वो स्वयं है और कुछ बातें कर रहे हैं। अभी आपको 4 रुपए का माहौल बता रहा हूँ, कुछ ही देर में असर का टाइम है, तो छोटे छोटे बच्चे आए हैं माशाल्लाह। तो अभी थोड़ी देर में आप लोगों को मैं बताऊँगा वजू खाना जाके क्या क्या होता है। बट तो बिल्कुल खलक बोलते हैं, मुल्ला क्या बोलते हैं? बिल्कुल खलक सीन अभी ऐसा है, अभी ना असर की अजान नहीं है, तो हमने कहा अभी हम पहले निकल जाते हैं वजू कर लें। करीब कौन सा है ये? और जहाँ करीब है तो वहाँ चलेंगे ना, तो चलते हैं करीब वाले वजू खाना चलते हैं। तो अभी ये बिल्कुल किच पिच नहीं है, तो वजू वगैरह आराम से हो जाएगा ताकि हमें रश में खड़ा होना नहीं पड़ेगा, वरना यार लाइन लगानी पड़ती है। आप लोगों को मैं चीज़ बताता चलूँ, ये तारे जो देख रहे हैं इससे ना तंबू वम्बू की पूरी सेटिंग हुई हुई है, और ये बल्ब देख रहे हैं, ये बल्ब रात में जलाए जाएंगे ताकि नज़र वगैरह सही आए। ये जो ब्लॉग है ना सुबह हफ्ते से शुरू है, और ये कल आप लोगों को मैं बताऊंगा दुआ भी, संडे की दुआ है। ये सारे लैंड से जो आप देख रहे हैं पेना फ्लेक मस्जिदों के नाम, ये एक निशानी होती है भाई। ऊपर जो है ना नहाने की जगह है, नीचे है वॉशरूम, और ये सामने है वजू खाना। यहाँ बर्तन भी धोए जा रहे हैं साइड पर, और वजू खाने की मैं आप लोगों को ना सेटिंग बताता हूँ कैसे वजू करते हैं। तो ये जितना भी रश देख रहे हैं वाशरूम का रश है भाई, बड़ा मुश्किल होता है, वेट करना पड़ता है और लोगों को पता नहीं चल रहा आपका भाई ऐसे ऐसे ब्लॉगिंग कर रहा है भाई। इधर रुकने का तो इंतज़ाम नहीं, बहुत ज़्यादा रश है, रुकना पड़ेगा, मगरिब के बाद करेंगे। तो वजू करते हैं बिल्कुल तरीके से। अब देखें आप, अब बिल्कुल चलने का रास्ता बहुत मुश्किल हो रहा है। अब मैं आप लोगों को बताता हूँ, अब असर करीब जैसे आ रही असर की नमाज़, तो रश बहुत ज़्यादा। निकलते फटाफट अपने हल्के में, तो अपने हल्के में आ चुके हैं, यहाँ बन रही है चाय में, थोड़ी देर बाद साथी सब चाय में, तो चाय आ चुकी है। नमाज़े असर हो गई है, अभी मगरिब का टाइम होने लगा है थोड़ी देर में। तो फाइनली भाई रात बात हो चुकी है, बयान व्यान हो रहा है, और अभी हम जा रहे हैं ज़रा वाशरूम और वजू वजू कर लें। तो अभी हम जा रहे हैं पैदल 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 पैदल। कितना मिनट का रास्ता है? 10 मिनट है। हाँ बिल्कुल 10 मिनट रास्ता है, ज़्यादा बात नहीं करेंगे क्योंकि बयान में आ रहा है। मजमा दिखा रहा हूँ मगर मच्छर है या मिट्टी है क्या उड़ रहा है, माशाल्लाह मजमा बहुत ज़्यादा आ चुका है। वाशरूम वगैरह आ चुका हूँ मैं, क्योंकि इधर फ्लैश बंद करना पड़ेगा क्योंकि नज़र किसी को ना आए, तो वाशरूम ऐसे होते हैं कराची इस्तेमाल में। तो अभी हम वेट कर रहे हैं वॉशरूम का, तो फटाफट जैसे खाली होगा तो आपका भाई वॉशरूम भी जाएगा। वॉशरूम वगैरह से आ गया, रश वश नहीं उनको पता, एडी भाई है। तो रात हो चुकी है इस वक्त, तो अभी मैं करने लगा हूँ वजू। वजू वगैरह हो गया अल्हम्दुलिल्लाह। हम जलेबी क्या खाना? जलेबी जलेबी वलेबी। ये कोई किस चीज़ का रश है यार, नीचे देख के चलना, किस चीज़ की चाय होगा इधर? चाय का रश है, तो यहाँ पे रोटी है, जलेबी है, आप है बिस्कुट वगैरह, तो यहाँ अंडे वगैरह भी भाई मिल रहे हैं इस वक्त भाई, अंडा वंडा खा रहे हैं भाई। सामने जो रखी हुई है चाय वगैरह, यहाँ पे चाय वगैरह बनती है, तो वहाँ से लोग खरीदते हैं उधर से जाके। ईशा की नमाज़ पढ़ेंगे उसके बाद हम आप लोगों से मिलते हैं भाई। रात का टाइम हो गया, लोग अपना खाना खा रहे हैं, साथी वाती ये दूसरी मस्जिद वाले लाइन से बैठ के खाना खूना चल रहा है भाई। रोटी छोटी लग रही है ये, तो ये प्लास्टिक के जहान इस वजह से रखें ताकि ये गंदा हो तो फेंक दें। तो बहुत लंबा है, जितने साथी हैं सब लाइन से बैठेंगे। तो लाइन से सब बैठ गए साथी, वेट करे जा रहे हैं। रोटियां सब की आ चुकी हैं इस वक्त। तो फाइनली यहाँ पे देगे वेगे थी, हम लोगों ने अभी खाना खाया, खाना खुना सामने ये चीज़ें हैं, डिस्पोजेबल गिलास है, दस्तखान प्लास्टिक वाले रखे हुए, ये गैस वैस मेरे को नाम वाम नहीं आता, और ये देखे हैं दिन में बिरयानी की देख वो पड़ी हुई है, चाय वाय की कैथरीन पड़ी हुई है, चीनी वीनी हर चीज़ है भाई। तो भाई अभी सब ईशा की नमाज़ हम लोगों ने पढ़ ली थी, तो अभी सब क्याम करने लगे हैं, सोने लगे। तो अभी मैं लेट शेट गया भाई, तो अभी सोने लगा हूँ, तो इंशाल्लाह सुबह मिलेंगे।
इस वक्त फजर का टाइम हो चुका है, तो अभी हम जा रहे हैं वजू करने। तो भाई बिस्तर विस्तर फिट विट हो रहा है। तो फजर के बाद रोशनी हो चुकी, अभी रश आप देख रहे हैं नहीं है, अभी एक घंटे बाद बहुत रश होगा इधर। वजू खाने के पास आया हूँ अभी मैं, सुबह 8 का टाइम है समथिंग, तो रश चेक कर रहा हूँ। तो भाई प्लेटें वगैरह आ गई हैं, वाह भाई मैं खिदमत खल कर रहे हैं सबकी, सब इधर आते हैं बस आराम करते हैं बेचारे, ये काम कर रहे हैं। खेत खेत है ये वाकई में, तो भाई ये मलाई और शेत शेत डब्ल्यू डी के साथ मिलेगा ये। दस्तखान वगैरह लग गया, एक आगे आगे करते रहो, आगे आगे प्लेट जा रही है। क्या नाम है तुम्हारा, नाम भूल गया? मोहम्मद तनवीर। मोहम्मद तनवीर, आगे भी पूरा खानदान शिश्रा बता दो आप। फाइनली नाश्ता रेडी शेडी हो गया माशाल्लाह, सब खाने में लग गया। दुआ वगैरह हो गई इज्तमा की, तो सब जा रहे हैं अपने अपने घर, बैग वैग पहन लिए, मैंने भी पहन लिया, सब निकल रहे फटाफट फटाफट घर की तरफ। फाइनली सारा मजमा वजमा निकल गया, अभी रश रश आगे बहुत ज्यादा होगा, यहाँ तो खाली वाली है, उनको पता है एडी भाई आ रहे हैं अभी। तो 2023 का इज्तमा खत्म हुआ, तो सब जा रहे लगे कर ही रहे हैं, फिर घर निकले आहिस्ता आहिस्ता चल रहे, उनको पता है एडी भाई यहाँ पूरे पूरी जगह खाली है, देखो भाई कितना लेवल है। आगे चेक करें हम, तो सीन ऐसा है भाई, गेट के पास हम आ चुके हैं, मजमा ऐसा जैसे मक्खियाँ वक्खियाँ होती हैं, तो खैर होती है, अभी डक्के वक्के लग सकते हैं, बस चेक करें यहाँ पे डक्के डुक्के लगेंगे, आसमान पे भी देखें तो अब देखें मजमा हम आए एक अलग साइड, वहाँ पे हम जाते तो हम भी दब जाते हैं माशाल्लाह, बहुत ज़्यादा मजमा है, हम वहाँ पे कुछ उगाड़ उगाड़ देखेंगे यहाँ से अगर कोई रास्ता वास्ता निकल गया। तो फाइनली अपनी बाइक के बाद पहुंच गए, आते आते पूरा एक घंटा लगा रश में, रश वश बहुत था, तो गलियों से रास्ता निकाला है, अभी अब निकलते हैं फटाफट। आप लोगों को एक चीज़ बताता जाऊं, माशाल्लाह हमारा आधा सफ़र हो गया, हम लोग पैदल जाने वाले हजरात अभी तक पैदल जा रहे हो, रोड भरे हुए जहाँ तक देखा जाए, दूर दूर तक कराची से वहाँ गई मजमा, दूर दूर तक कराची से वहाँ का मजमा। फाइनली घर बार आ गया, तो अभी करते हैं एंड, बहुत थकों नहीं बहुत रश में फंसा रहा, तो वीडियो को करते हैं एंड। ओके बाय, टाटा टाटा टाटा।